हम लोगों ने पिछली बार मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था लोकस आपको पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपने कहा था कि अब पढ़ा देंगे, ठीक है? तो पढ़ा दिया नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया? क्या मतलब मजे ले रहे हो, क्या चाह रहे हो? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया पता ही नहीं चला क्या आपको? अच्छा, क्या चेंज हो गया था कुछ? पीएनसी खत्म हो गया? एक सेकंड, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रहा? तो लोकस था या नहीं था उसमें? हाँ, तो लोकस, तो तुम्हारा लोकस मतलब उस दिन से इस दिन के बीच में लोकस वोकस सब निपट गया? कितना? सही है ना? चलो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता मुझे रिएक्ट कैसे करना है। लोकस में एक ही क्वेश्चन कराया तुमको। इतना कैसे टोटा बढ़ गया तुम्हारे? 15 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन कराना पड़ता है बावड़ों, क्या पता भी है क्या लोकस क्या चीज होती है ना? एक क्वेश्चन अरे कराया होगा पहले, तुमको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है? अच्छा चलो, अभी तो दिमाग लगाते हैं। देखो, ये दो पॉइंट हैं जिनका नाम है ए और बी। ऐसे मेरे को तो मुक्त करो आप, है ना? हाँ, ए और बी, है ना? अपना पी यहाँ है, कहाँ पे? इस जगह पे। मेरे को जल्दी से देख के बताओ, पी ए प्लस पी बी ए बी। अच्छा आप बताओ, पी यहाँ है, पी ए प्लस पी बी। अगर मैं पी यहां रख दूं तो इसका मतलब लोकस ऑफ पी स्ट्रेट लाइन खत्म। तो आपको जिस दिन ये पता चल जाए कि पी ए प्लस पी बी बराबर ए बी, उस दिन समझ जाना कि लोकस ऑफ पी इज ए स्ट्रेट लाइन। नहीं समझ में आया? तो आपके लिए पहली चीज तो ये बनी कि पी ए प्लस पी बी बराबर ए बी, इसका मतलब लोकस ऑफ पी इज ए स्ट्रेट लाइन। सुना, जिस दिन ये पता चल जाए कि पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी, उस दिन समझ लेना इट इज ए ट्राइंगल। पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी, देखो ना इसमें है, हाँ या ना? तो इट इज ए ट्राइंगल। तो जब भी ट्राइंगल बनेगा ना, तब तब इलिप्स बनेगा। नहीं समझ में आया? तब तब इलिप्स बनेगा, 100% बात है, ठीक है? और जब भी किसी ने यह बोल दिया कि पी ए प्लस पी बी इज लेस देन ए बी, ठीक है, तो आप समझ जाना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दो पॉइंटों को किसी तीसरे पॉइंट से जोड़ने पर अगर दोनों का सम, अगर उन दोनों को मिलाने वाली लाइन से ज्यादा है, ट्रायंगल बराबर आ जाए तो स्ट्रेट लाइन माने है ट्रायंगल। ट्रायंगल इज ऑल्सो सॉरी स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ए ट्रायंगल, फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। और अगर बाय द लेस देन हो जाए तो फिर पी के पास क्या जगह है? कोई जगह नहीं, नो लोकस। कहानी पकड़ माई? हाँ, ये तो प्लस क्या हुआ, अब फिर दूसरा खेल ऐसे ही छह खेल हैं ये, फिर चलूगा पी ए माइनस पी बी बराबर ए बी, पी ए माइनस पी बी इज लेस देन ए बी, पी ए माइनस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी। नहीं समझ में? अगर भाई दवे किसी ने बोला पी ए माइनस पी बी, मैं बस सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, जब पी ए माइनस पी बी तो इट इज अ रे आउटसाइड ए एंड बी, माने स्ट्रेट लाइन आउटसाइड ए एंड बी। कहने का मतलब समझना, ये थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ए बी लाइन नहीं है कोई भी, ये एक पॉइंट ए है, ये बी है, पी यहां है। बताना जरा, पी ए में से पी बी नाम का टुकड़ा हटा दो, क्या बचा? ए बी। अगर मैं पी को थोड़ा और सरका दू, पी ए में से पी बी नाम का टुकड़ा हटा दो, ए बी बच रहा है। अब जरा पी उधर आ जाओ, सही है? अच्छा, यहां से देखो, पी ए में से पी बी नाम का टुकड़ा हटा दो, माइनस ए बी। अरे पी ए में से पी बी नाम का टुकड़ा घटाओ, माइनस ए बी। इसका मतलब ये कि बस मुझे मॉड लगाने की देर है ताकि ये भी हटना चालू हो जाए। नहीं समझ में आया? अगेन, अब की बार पी का लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन बट डाइवर्जिंग आउटसाइड। अरे ये इधर भाग रहा है और उधर भाग रहा है आज भी स्ट्रेट लाइन। नहीं समझ में आया? अच्छा, अगर बाय द वे यही पी ए माइनस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी हो जाए तो हाइपरबोला, अगला चैप्टर, तो ये हाइपरबोला बन जाए। मैं अभी बस इसको समझा नहीं सकता, हाइपरबोला। वैसे आप सोच सकते हैं
हाइपरबोला के लिए काफी हद तक आप आइडिया लगा सकते हैं। ये वाला पॉइंट इज ए, ये वाला पॉइंट इज बी, पी ए माइनस पी बी, ठीक है, पी ए माइनस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी। अब पता नहीं आप किसको कैसे देखेंगे, ठीक है, ये सही है कि गलत है, बताओ सही, जल्दी बताओ जल्दी, मैं ए और बी की पोजीशन बदलूंगा ना, फिर सोच लिया आपने कैसे बैठा हूं कि हाइपरबोला दिखे आपको, ये सोचो आप, हाइपरबोला दिखना चाहिए आपको बकायदा, कहां होना चाहिए ए और बी, पी ए माइनस पी बी, अच्छा चलो लेस देन ए बी, आप सही है, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, सेट बैठ रहा है क्या, हाइपरबोला में बैठ रहा है, पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी का मतलब समझते हो, इतनी लंबाई की रस्सी ली, उसमें से इतनी लंबाई की रस्सी काट दी, तो जो बच गई रस्सी वो ए बी से छोटी थी या नहीं थी, थी, तो पी ए माइनस पी बी इज लेस देन ए बी माने हाइपरबोला। और अगर भाई देखो ये लेस देन ए बी में हाइपरबोला, वो लेस देन ए बी में नो लोकस, ये ग्रेटर देन ए बी में इलिप्स, और ये पी ए माइनस पी बी ग्रेटर देन ए बी में नो लोकस, क्या आपको ये कहानी पकड़ में आई, जो आज के दिन पे पी ए है वो हमारे लिए आपके चैप्टर में जेड माइनस जेड वन है, ठीक है, पी ए, पी की ए से दूरी, पी इज अ वेरिएबल पॉइंट इज जेड, ए इज अ फिक्स पॉइंट दैट इज जेड वन, दूरी माने मॉड, मॉड जेड वन, जेड माइनस जेड वन दैट इज पी ए, प्लस पी बी, पी बी इज जेड माइनस जेड टू, अगेन पी ए माइनस पी बी, है ना, और अगर ये ग्रेटर देन ए बी, ए बी माने जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू, अगर ये हो जाए तो लोकस ऑफ जेड इज अ इलिप्स, नहीं आया समझ में, अगर ये इक्वल हो जाए तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये लेस देन हो जाए तो इट हैज नो लोकस, नहीं पकड़ में आया, तो हम लोगों ने जो हमारी तरफ से जो आंसर लिखे थे ना वहां पे, वो सब यही सब मिला के लिखे थे कि ये सब तो बेसिक बातें हैं, और लिटरली बेसिक बातें हैं, पता है हम लोग ये चीज इलेवंथ में करवा लेते हैं, इलेवंथ के दौरान, अब याद हो जो कि कब करवाते हैं इलेवंथ में, इलेवंथ में बेसिक में जो लॉक पढ़ाते हैं ना तब, कि भाई तीन चार बातें अभी से मानना चालू कर दो आप, ठीक है, ये क्योंकि पी ए प्लस पी बी अपन बेसिक में बता सकते हैं, बच्चा उस समय एतराज नहीं करता कि भाई चार पांच चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, अभी हटा रहा हूं मैं और अपने उससे ज्वाइंट कर रहा हूं, अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आ रहा हूं, तो मैंने आपको जो इलिप्स बताया था, अजो मैं पॉइंट नंबर कितना लिखा था अपने कुछ तीन नंबर, हाँ भाई तीन नंबर के अंदर हम लोगों ने ये बताया था कि दिस पॉइंट इज एफ टू, दिस पॉइंट इज एफ वन, अच्छा ये पॉइंट इज पी, तो मैंने आपको ये बताया था कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू बराबर टू ए, ये तो बताया था, अच्छा अब इसका मतलब समझो आप, ये टू ए क्या चीज है, टू ए ऐसे मेरे दिमाग का एक फितर है, मैंने कोई एक नंबर एज्यूम कर लिया है और मान लिया है कि जिस दिन भी मैं ऐसे रस्सी लूंगा ना, तो पी एफ वन पी एफ टू की रस्सी और ये वाले रस्सी मिला करके जो रस्सी बनेगी उसकी लंबाई टू है और वो हमेशा फिक्स रहेगी, अब जब जब भी मैं ये मिलाऊंगा तो रस्सी की लंबाई पी एफ वन प्लस पी एफ टू टू ए ही बनी रहेगी, मैं किधर भी चला जाऊं, मैं इधर भी आऊंगा तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू जब भी बनाऊंगा तो ये टू ए रहेगी, तो इट इज अ फिक्स रस्सी जो इधर और उधर जा रही है, वही जो मैंने बताया था उस दिन रुमाल, आप में से किसी को याद हो कि अगर मैं रुमाल को दो जगह ऐसे पिंच कर दूं और फिर मैं अगर भाई दुए ट्रायंगल बना करके एक ऐसा बनाऊंगा तो ये ट्विल क्रिएट अ एलिप्स, तो मतलब रुमाल की लंबाई नहीं बदल रही, क्यों, क्योंकि अपन ने तो दो जगह उसको पक्का कर दिया, तो रुमाल की लंबाई तो बदल ही नहीं सकती, तो ट्रायंगल जब जब भी बनेगा शेप अलग अलग होगी लेकिन ओवरऑल पैरामीटर सेम रहेगा, तो ये बेसिकली पी एफ वन प्लस पी एफ टू है एक बार। अब दूसरी बात सर, फिर ये टू ए इसकी लंबाई है, हाँ इसकी लंबाई है, और इसमें ये जगह क्या है, ये सेंटर है, इसका नाम क्या है, जीरो जीरो, अच्छा ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अभी अपने को पता नहीं है, थोड़ी सी देर के लिए मैं आपको इसको सी कोमा जीरो कह देता हूं, क्या बोला, सी कोमा, इसको सी कोमा जीरो बोलते हैं ऑटोमेटिकली, उधर वाला ये दूरी कितनी हो गई सी, ये दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी कितनी हो गई टू सी, आज के दिन पे मैं कह सकता हूं कि टू ए इज ग्रेटर देन टू सी, ठीक है, अब आपको देखो ये कैसे हो गया, क्योंकि ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो ये तीसरी साइड की लंबाई कितनी थी 2c, याद आया, तो PF1 plus PF2 is greater than 2c, so I must say कि 2a is greater than 2c, क्या आप ये बात समझ गए, तो पहली चीज यहां से आई, अब
टू सी क्या चीज है उस पर फिर उसकी गहराई में उतरे। तो आपको पता चला कि टू सी क्या है, बेसिकली आप ढंग से सोचो अब आपको समझ में आएगा, टू सी इज एफ वन एफ टू। एफ वन और एफ टू के बीच की दूरी नहीं है, तो आप देखो गौर से तो ये आपको समझ में आएगा, इट इज जेड माइनस जेड वन। जेड वन कौन? एफ वन प्लस जेड माइनस जेड टू। जेड टू कौन? एफ टू। और इन दोनों का सम इज टू ए, वो हो गया अंदर, इसमें टू ए आ चुका है, मैं दोबारा टू ए नहीं लिखूंगा। इट इज ग्रेटर देन, ये टू ए है, टू ए इज ग्रेटर देन टू सी। सी इज एफ वन और एफ टू के बीच की दूरी बोले तो मॉड जेड वन माइनस जेड टू। अब आपको समझ में आया। नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर टू इन एक्सरसाइज टू, जो आपका एक्सरसाइज टू लेवल टू का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो ये है, और उसका क्वेश्चन नंबर थ्री जो वो हाइपरबोला में चला जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, इतना सा याद रखना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व नहीं करना होता, बस देख के बताना होता भाई आ गया एलिप्स, आप इस सोचो इसको सॉल्व कराएंगे, ना ना कभी नहीं कराएंगे हम आपसे, फॉरगेट इट, ये तो भूल जाओ। ठीक है, बस आपने ये यहां तक तो लिख ही लिया था, इट इज ग्रेटर देन टू सी लिख दो, टू सी के ऊपर लिख दो एफ वन एफ टू, और अपने डायग्राम में सी जीरो माइनस सी जीरो ऐड कर लो। क्या टू सी? क्या टू सी की वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू का? हाँ यही है, यही है। अच्छा टू सी की वैल्यू में टू नहीं आएगा, हाँ ठीक है सही है, बॉन्ड है ये, अच्छा बॉन्ड, गॉट इट। हाँ भाई आ जाएं। हाँ भाई अब मैं आता हूं बेसिक कंटेंट पे। इससे क्या हुआ, किसी ने पॉइंट नंबर तीन बनाया, एक आदमी ने इसको सीरियसली ले लिया, ठीक है, उसने 3.1 बोल दिया कि सर ये बात है, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि आप शायद ये कहना चाह रहे थे कि F2 है, ये F3 F1 है, और इन दोनों के बीच की दूरी इस 2C है, और ये अपना PF1 और PF2 है, और फाइनली आपने जैसा बोला अपन मान लेते हैं कि PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A है, राइट है। अपन क्या करेंगे इस पॉइंट P को, क्योंकि इसके लोकस ने इलिप्स देना है, तो इसको HK मान लेते हैं, मैंने कहा HK मानने से बढ़िया XY ही मान ले, बढ़िया रहेगा। तो ये वाला पॉइंट को C0 और ये वाले पॉइंट को माइनस C0 पिछले वाले फिगर से ले लिया उसने। अच्छा अब जब ये लेकर के चलेंगे तो अपने को पता चलेगा कि PF1 प्लस PF2, अच्छा PF1 इज अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सोचना अंडर रूट के अंदर दूसरे वाली साइड से देखा जाए तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए। क्या ये बात सही है? अच्छा अपन ने इसको सॉल्व करना चालू करा, सॉल्व कैसे कर सकता है कोई? स्क्वायरिंग करके, है कि नहीं? तो जब आप इसको स्क्वायरिंग करके बहुत दूर तक ले जाके सॉल्व करेंगे, मैं सीधा लास्ट टर्म पे आऊंगा, तो आपको पता चलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, एक वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा? आपके मुंह से बी स्क्वायर निकल गया होगा किसी से, अपन मानते नहीं अपन उस बात को, ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी कहानी में कहीं कोई बी है ही नहीं, तो आ ही नहीं सकता बी स्क्वायर। ये आया और अपनी साइड में इधर कितना आ गया? वन आ गया। अच्छा अब हमने अगर बाय द वे इतनी दूर तक चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोला होता तो आप में से कई लोग मानते भी नहीं कि 2a इज ग्रेटर देन 2c का, लेकिन क्योंकि हमने इतना ज्यादा फोर्सफुली बोल लिया तो अब आपके दिमाग में धीरे धीरे भर गया कि 2a 2c से बड़ा होता है। इसका मतलब a c से बड़ा होता है, इसका मतलब a स्क्वायर c स्क्वायर से बड़ा होता है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर पॉजिटिव है, हाँ या ना? और किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को जो भी आप बोलो उसको मैं बी स्क्वायर बोल सकता हूं, क्योंकि वो किसी का तो स्क्वायर होगी ही, किसी का तो स्क्वायर होगा, जैसे 2 किसी का तो स्क्वायर है ही, 3 किसी का तो स्क्वायर है ही, 3.1 भी किसी ना किसी का स्क्वायर है कि नहीं? लेकिन होगा किसी ना किसी का। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को रिप्लेस किया और डायरी में रिकॉर्ड करवा दिया कि अब हम इसकी जगह पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी बी स्क्वायर रजिस्टर कर रहे हैं, एंड फ्रॉम नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डन हो गया है, ठीक है। और यहां से एंट्री हुई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की,
राइट है। तो यहां टाइटल आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आपको समझ में आ गई बात? अब यहां से जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आया, बहुत सारी नई नई बातें आएंगी। एलिप्स को बदल गया यार, अपन आ गए यार मार्केट में। जैसे ही एलिप्स को पता चला कि अपन मार्केट में आ गए हैं, उसके मन में आया यार अपन देख तो ले एक बार अपन मिरर में दिखते कैसे हैं। उसने अपने आपको देखा कि अरे यार अपन तो कुछ अजीब से दिखते हैं, ठीक है। तो उसके मन में आता है ना कि मैं ऐसा क्यों हूं, है ना। अपने उसे समझाया भाई तू ऐसा क्यों है, मैं बताता हूँ देख तेरे को, ठीक है। तो 3.2, ठीक है, हालांकि लिखना चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक बच्चे की जय माँ सरस्वती लिखते हैं ना जहाँ, उसके नीचे लिखा हुआ दिखा था कॉपी के अंदर। शुरुआत में लिखते ना कई बच्चे शुरुआत करते टाइम पे जय माँ सरस्वती, वहाँ पे लिखा हुआ था मैं ऐसा क्यों। मैंने कहा सही है यार, है ना, तैने तो जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न पूछा है, ठीक है। जो दिखता है ना वो तेरे को गलत फहमी है, ठीक है, सब एक जैसे हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ। अब ये इसको हमने बताया भाई तू ऐसा क्यों है, मतलब तेरी शक्ल ऐसी क्यों है। तो उसको ऐसा समझ में आया, देखो हमने कहा कि देख भाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को अपन ये लिख लेते हैं भाई, बोल ऐसा लिख लेते हैं। उसने कहा हाँ सर चलेगा। मैंने कहा बताया एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों कैसी क्वांटिटी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना 1 - y² / b² इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन जीरो करने में क्या बुराई, कर दूँ। ऐसा करते ही हमें सभी को दिख गया एलसीएम आ गया सर, तो आपको दिख गया b² - y² / b² जीरो में चला गया, नहीं है। थोड़ी देर बाद में अपन इसको कहते हैं इट इज y² - b² इज लेस देन इक्वल टू जीरो, रिकॉर्ड में आने लग गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया अपन ने, y - b y + b इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब y कहां से काम है, बी और माइनस वाई, जानते हैं आप क्या होता है हाइट। इसका मतलब हाइट ऑफ द डायग्राम विल कन्फाइंड इन बिटवीन -b to b, क्या आपको ये बात समझ में आई। और अगर अपन ने यही रिकॉर्ड ऐसा ना बजा करके ऐसा बजाया होता कि y² / b² को उधर ही पटका होता, ये 1 - x² / a² होता, तो आप जानते हैं x का आंसर कहां से काम में आता, माइनस ए से में। इसका मतलब ये कि सामने वाले की शक्ल में पक्का लिखा था कि जो उसका x होगा वो तो माइनस ए से में रहेगा और जो उसका y होगा वो -b से b में रहेगा। इसका मतलब ये कि शक्ल पे अब दो धब्बे और आ गए, मतलब चार धब्बे और आ गए, वो सुनो आप कौन कौन से। इसका मतलब ये कि अब इसको मानना पड़ गया, उल्टा इस प्रश्न से उसे नुकसान क्या हुआ कि उसे ये पता चल गया कि ये दूरी a है और ये दूरी b और अब यहां से वर्टेक्स पधारने लग गया a और a'। ये वाला वर्टेक्स बन गया b और b'। बेचारा फंस गया, अब तक तो f1 f2 यही थे, अभी चार जने और आ गए, नहीं है, टोटल 6 पिंपल हो गए भाई के मुंह पे, ठीक है। कौन कौन से, a0 - a0 b0 b - 0 b 0 - b, सॉरी, है ना भाई। उल्टा हमने ऐसे बताया कि भाई इसको होने का नुकसान नहीं है, फायदा है भाई। कैसे, अब ये जो दूरी है a' इसे हम कहेंगे मेजर एक्सेस और इसे कहेंगे, बिल्कुल। तो अब यहां से निकल गया दो पॉइंट और, मेजर एक्सेस उर्फ a', और इसका मतलब मेजर एक्सेस की लंबाई कितनी, 2a, सही है भाई 2a, और माइनर एक्सेस की लंबाई -x = 2b, ठीक है। क्या आपको आप समझ में आया, इसका 2a और इसका 2b होना पक्का था, उसकी शक्ल ही ऐसी आई थी। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चले। अच्छा वैसे तो इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, लेकिन अपन काम चला सकते हैं आपकी छोटी मोटी जानकारी से। अब बताइए ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी a, ये दूरी a से कम, a से कम, माने ये जो f1 की जो दूरी है ना ओरिजिन से, माने सेंटर से, वो दूरी वर्टेक्स से दूरी से कम है। नहीं पकड़ना है आप में से कई लोग, जब तक देखते तब तक मैं अपनी बात कह चुका था, अभी भी वो पकड़ने में। ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस a से, अब प्रश्न ही उठता कितनी कम, ठीक है। तो हमारा जवाब होता है e टाइम्स कम, e टाइम्स कम, नहीं आया समझ में,
क्या आपको याद है इलिप्स में ई एक से छोटा होता है? अगर मैं इस डिस्टेंस ए की ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो भी आंसर आएगा वो ए से छोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए हमने स्टैंडर्ड डायग्राम के दौरान, ठीक है, जब हमने स्टैंडर्ड डायग्राम बनाया, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूं मैं, इसे प्रूफ में काफी टाइम लग जाएगा, है ना, तो मैं सिर्फ अभी तो सिर्फ इसी से बचा के ले जाऊंगा और आपके दिमाग में भर भी जाएगा और बाद में कहीं ना कहीं उठ भी जाएंगी सब बातें, है ना। क्या पता चलेगा, ये जो F1 है, ये अगर ये वाला पॉइंट A, A कोमा जीरो है तो ये वाला पॉइंट उसका A टाइम्स E टाइम्स है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा A कोमा जीरो, नहीं समझ में आया? और ये अगर माइनस A कोमा जीरो है तो ये जो F2 है इट बिकम्स माइनस A कोमा जीरो, सही है? अच्छा, अगर ये E टाइम्स कम है और इसका फोकस आ रहा है तो E टाइम्स ज्यादा होता तो क्या आता? मैंने कहा E टाइम्स अगर बढ़ जाओ इस A से, E टाइम्स आगे चले जाओ, नहीं नहीं उल्टा बोल रहा हूं मैं, इसका शब्द गलत है, मतलब इसका वाक्य गलत है। आप समझ सकते हो, अगर मैं E टाइम्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं अंदर आऊंगा, और मैं अगर E टाइम्स से डिवाइड कर दूं तो बाहर इसकी डायरेक्टरी से पहुंच जाऊंगा। क्या आप ये बात समझे? अगर डायरेक्टरी से पहुंच जाऊंगा तो ये वाला पॉइंट विल बी ए बाई ई कोमा जीरो, नहीं समझ में आया? और उधर से भी एक और डायरेक्ट्रिक्स, इसकी दो दो डायरेक्ट्रिक्स, तो ये जो हो जाएगा दिस पॉइंट इज माइनस ए बाई ई कोमा जीरो। अभी थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड डायग्राम, हालांकि इसको मेरे को प्रूव करने में बहुत टाइम लगता, मतलब कम से कम इतना ही, एक और इतना बोर्ड और आ जाता तो अपना टाइम उससे बचा रहा हूं बस सिर्फ इसके लिए, ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मेरे पास में फोकस आ गया, अच्छा अब आया सेंटर, सेंटर इज ऑब्वियसली जीरो जीरो, ये पॉइंट इज जीरो बी, ये पॉइंट इज जीरो माइनस बी, लेकिन इस पूरे टाइम में विदाई होने की आ गई एक आदमी की और आपको पता भी नहीं चल रहा, भाव भी नहीं दे रहा, बेचारा बहुत बुरी तरह परेशान है, और उसका नाम है सी, कि यार अब तक मैं सी कोमा जीरो हुआ करता था, अब मैं ए कोमा जीरो हो गया है, हाँ है ना, इसका मतलब अपने को यहाँ स्टार लगा करके बिल्कुल सम्मानजनक विदाई देनी चाहिए कि सी कौन है, सी कौन है, तो बहुत ज़्यादा खुशी मची बी स्क्वायर के, क्योंकि उसको ध्यान आया अपना तो लोकेशन ही सी ने फिट किया था, नहीं याद आया? अगर आपको याद है तो आपको पता होगा सी की वैल्यू कितनी, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। क्या आप ये बात पकड़ गए? इसका मतलब ये कि यहां से अब अपन ये पकड़ेंगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। सोच लिया? कुछ और समझदार व्यक्ति लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां से आ गया ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एंड इट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला। क्या कोई ये देख के बता सकता है कि वाकई में ई एक से छोटा आ रहा है? आ रहा है ना, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वट एवर पॉजिटिव क्वांटिटी यू विल लेस फ्रॉम वन इट विल बिकम लेस देन वन, तो अंडर रूट विल मेक मोर लेसर, है ना, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, एक से छोटे में उल्टा होता है, याद है? हाँ, लेकिन जो भी आंसर आएगा दैट विल बी लेस देन वन, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हो गया। और आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ होगा, और सोचते हैं, चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, स्टैंडर्ड डायग्राम जो है दैट इज अवर पॉइंट फोर, ठीक है, और चौथे में जो सबसे ज्यादा खुशी मची थी मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर को ही थी, उसको अपना ओरिजिन पता चल गया था कि अपन जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर रहे थे ओरिजिनली सी की वैल्यू ए ही है, सी की वैल्यू ए ही है। अब अंदर ही अंदर एक खुशी है, सेंट्रिसिटी को भी मच रही है, उसको भी समझो आप, देखो बड़ा खुश हो रहा है वो, उसको ये बदल गया कि ए सी इज इक्वल टू ए ही है, कितना है इसका मतलब ई इज इक्वल टू क्या है सी बाई है। अब यहां ये बात समझनी जरूरी है कि ई इज इक्वल टू सी बाई है ना, एक तो इसको क्यों लेके घूम रहा हूं, है ना भाई, इसको देखें आप, सी कौन है, सी इसको अपन शब्दों में बताते हैं, सी इज इक्वल टू में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर
टू फोकस, सोच लिया, सेंटर टू फोकस के बीच की दूरी, एक कौन है, डिस्टेंस बिटवीन, हां सोचो, सेंटर टू वर्टेक्स। हां ये छोटी छोटी बातें अभी समझना चालू करो भाई, ई बेसिकली ये है। अच्छा ई ये है, और सोचते हैं, अच्छा एक और भी तो ध्यान देना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा और मैं भी आगे खींचता रहता हूँ, पीछे आराम से आते रहना, ऐसा नहीं है जल्दी नहीं है अपन बीच में रुक जाएंगे। वन माइनस ये तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, इसको अगर मैं बोलूँ कि मुझे बी बाई ए का होल स्क्वायर दिख रहा है, सही है, बराबर है, हाँ है ना। अच्छा अगर अपन दो से अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो भी सही है, लेकिन आप जानते हैं टू बी कौन, माइनर एक्सिस की लंबाई, और टू ए कौन, मेजर एक्सिस की लेंथ। अच्छा इसका मतलब ई स्क्वायर को मैं वन माइनस स्मॉल एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम का स्क्वायर कहना चाहता हूँ, चलेगा, हाँ या ना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का स्क्वायर, दोनों का डिवाइड करके आ जाए। अब एक सिचुएशन सोचते हैं, क्या आप सोच लोगे या नहीं सोच पाओगे, है ना, देखते हैं। आप में से कई लोगों को नहीं पता, ये बेसिकली जो ई स्क्वायर है ना, इसका ये जो फॉर्मेट है ये कहलाता है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। मैं बताता हूं क्यों, मान लो कि अपना ये जो एलिप्स है ये फ्लैट हुआ ही नहीं, ये तो बिल्कुल आज भी सर्कल है, तो m बराबर m होगा, हाँ है ना, तो फॉर सर्कल हम लोगों को आइडिया है कि स्मॉल m बराबर, तो e बराबर क्या होगा, जीरो, याद आया, प्रूफ हो गया, किसी को ध्यान हो तो e बराबर जीरो प्रूफ हो गया। तो याद रखना कि जिस दिन भी e टेंस टू जीरो होता है या e इक्वल टू जीरो होता है ये सर्कल हो जाता है। इसका मतलब जब जब भी m बराबर m होगा माने माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के बराबर होगी तो e टेंडिंग टू जीरो होगा, और जैसे जैसे ये वन की तरफ भागेगा वैसे वैसे ये और फ्लैट और फ्लैट और फ्लैट हो जाएगा। तो आप बताओ ज्यादा फ्लैटर इलिप्स के लिए e की वैल्यू एक से कम होनी चाहिए, हाँ कम होती जानी चाहिए, क्या आपको एक कहानी पकड़ में आई, लेकिन कम का भी लेवल है, ये नहीं कि जीरो हो जाए, नहीं समझ में आया, हाँ अच्छा एक सेकेंड, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया और शायद आप भी नहीं। एक की e की वैल्यू 0.9 है, कितना है, और एक की e की वैल्यू 1.1 है, कौन ज्यादा फ्लैट होगा, 1. सोच के बोलना, आप सोच के बोलो, अच्छे से सोचना मेरा जवाब, क्वेश्चन को सुना या नहीं सुना, एक का e जो है वो 0.9 है और एक का e 1.1 है, कौन ज्यादा फ्लैट होगा, कौन सा वाला, 0.9 पक्का, क्यों, जैसे जैसे मैं जीरो की तरफ जाऊंगा वैसे वैसे फ्लैटनेस कम होती जाएगी ना, तो फिर 1.1 तो उधर पड़ जाएगा ना, अरे यार क्या कर दिया, तुम तो ऐसा विद्वान आदमी हो ना, घूम ही जाते हो बिल्कुल एक एक बात पे घूम जाते हो। e 0.9 है, अपना पहले स्केल बनाओ आप, तो पहले ये स्केल है, जीरो पर सर्कल है, ठीक है, वन पर पैराबोला है, e लेस देन वन होते ही, जैसे मान लीजिए किसी का 2/3 है, अगर 2/3 है तो वो क्या है, एलिप्स है, और अगर किसी का 4/3 है तो 0.9 यहां पड़ेगा, तो जैसे ही मैं इधर की तरफ आना चालू हुआ एक से जरा सा भी कम हुआ मैं इलिप्स में जा चुका हूं, और एक से जरा सा भी बढ़ते ही मैं हाइपरबोला में जा चुका हूं, तो जैसे ही मैं 1.1 होऊंगा मैं इलिप्स होऊंगा ही नहीं,
फ्लैट ने तो बाढ़ में गया, नहीं समझ में आया। अब मैं ले रहा हूं एक जगह ले रहा हूं 0.9, एक जगह ले रहा हूं 0.7, बताओ दोनों में से ज्यादा फ्लैट कौन? 0.7, 0.9। क्यों क्यों क्यों? 1 - m² / m² ज्यादा होगा। हालांकि मेरे को इतना क्रिटिकल नहीं सोचवाना, लेकिन फिर भी एक बात तो ठहरा लू ना, आप तो बिल्कुल ही अलग चले गए तो मैं तो और ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। पता है जरा सा भी इधर उधर वाला क्वेश्चन दे देता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि मैं ऐसी बात बोली आया हूँ जो आपने मेरे को और ज्यादा हैरान कर दिया है। क्या रहनी वे अगले क्वेश्चन भेजो। ये हुआ कन्फाइन कहां से कहां में है, अपन ने C = ये भी ले लिया, m² / a² ले लिया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर 5, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। आइए फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, किसी को पैराबोला में फोकल डिस्टेंस याद है? SP A+X, शानदार। उम्मीद नहीं थी मेरे को लग रहा था SP बोलते हैं, PM बोलोगे है ना, लेकिन किसी ने डिस्क्राइब कर दिया कि PM नहीं है, A+X याद है आपको? SP = A+X। तो मैंने कहा था कि एक्चुअल में फोकल डिस्टेंस का मतलब तो होना चाहिए किसी पॉइंट की फोकस से दूरी, लेकिन उसको डिस्टेंस फार्मूले से ना दिखा करके हम लोग SP = PM माने A+X से दिखाते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी में भी क्या करते हैं ना, कि जो भी इलिप्स होता है उसके किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये पॉइंट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है, ये F1 है ठीक है। हालांकि मेरे डायग्राम से मत मैच करवाइएगा ठीक है, काम चलाउ सा है। F2 यहाँ है, ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है ठीक है। This is x = a/e, This is x = -a/e। अच्छा ये अपना पॉइंट P है, इसको अब से हम लोगों ने नाम बदल दिया है, इसका नाम S1 और S2 है ठीक है। मुझे फोकल डिस्टेंस निकालनी है, तो अपने पास दो दो फोकस है सर, निकालोगे किससे आप? मतलब कौन से वाले फोकस की डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस मानेंगे? हम दोनों को लेंगे, दोनों फोकस से डिस्टेंस निकली जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, दोनों से निकली जाएगी। फिर किधर जाएगी ये? तो देख जिधर का फोकस उधर वाले की डायरेक्ट्रिक्स पर जाएगा, तो SP = EPM याद करो। तो आपके लिए यहां हो जाएगा S1P = EP, अब P की जगह PM1 कर रहा हूं, EPM1 कितना? PM1 लिख दो। अच्छा इसी तरह से S2P, रुको, जैसे इधर से पढ़ा, इधर से मिलाते ये वाली डिस्टेंस = में इधर जाएगा, माने इधर से लाइन चली तो उधर जाएगी, उधर से लाइन चली तो उधर ही चली जाएगी। नहीं आया समझ में? जिधर का फोकस उस साइड के डायरेक्टर इसको कैच करता है ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा PM2, तो मैं यहां लिख देता हूं E × PM2, सही है। वैसे तो मैं अपनी बात यहीं खत्म कर दूंगा और बहुत इजीली निकाल दूंगा आपकी घड़ी, लेकिन उसमें कुछ कंसेप्ट दब सकते हैं। जैसे मैंने S1P + S2P करा, E कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? जोड़ना आता है आपको, PM1 + PM2 इज ए स्ट्रेट लाइन, कितना हुआ बोलो? E × अरे ये दोनों का सम, M1 M2 भी तो है ना कुछ ना कुछ, कितना कितना? 2a/e, तो आंसर इज 2a। तो S1P + S2P = 2a इज फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, माने किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस है ना, इसका प्लूरल होता है फोकाई, तो इन दोनों फोकाई से डिस्टेंस का सम = 2 times a होता है, 2 times a ये होता है, 2a होता है ठीक है। पहले आप यहां तक लिख लो, फिर मैं बताता हूँ इसमें आखिरकार कौन सा ऐसा कंसेप्ट है छोटा सा जो दबा है, उस पर भी बात करता हूँ। फटाफट लिख लो पहले यहां तक है ना, लिख लिया। देखो मैंने अगर ये बताया ना तो आप में से कोई मतलब मना नहीं किया मेरे को, लेकिन कैसे एक बहुत छोटी चीज जो कई बार क्वेश्चन में काम आती है वो कैसे रह जाती है वो बताता हूं। जैसे ये पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए XY, कितना XY,
आप में सभी लोग आज भी जानते होंगे कि ये अपना वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। आप जानते हैं एक्स का है, एक्स ये डिस्टेंस है और वाई क्या चीज है, ये डिस्टेंस वाई है ना भाई। आपने को वाई से लेना देना है, एक्स से बहुत लेना देना है। ये जैसे आपने पीएम वन कहा ना, ये पीएम वन बेसिकली क्या है ना, ई इंटू में ए बाई ई माइनस एक्स है। रुको एक मिनट, अगला तो आने दो, ए बाई ई प्लस एक्स है। अब ये तो इसको लिटरली जोड़ना आपको काम आएगा, इसलिए कह रहा हूं ये सब काम की चीज है, मैं कुछ भी ऐसे में फर्जी चीज नहीं उठा रहा। देखो ए बाई ई माने ये दूरी, ये दूरी कितनी है, उसमें से ये येलो वाला हटा लो, क्या रह गया पीएम वन नहीं है, तो पीएम वन इज इक्वल टू में इस डिस्टेंस में से ये एक्स हटा लो, ये रह जाएगा। तो पीएम वन इज बेसिकली ए बाई ई माइनस एक्स और पीएम टू इज इक्वल टू, पीएम टू माने ये डिस्टेंस, तो आप लोग क्या करना है, यहां तक की दूरी में एक्स और जोड़ो, ये दूरी इज ए बाई प्लस एक्स, दैट इज पीएम टू। और आज भी अगर आप इसे जोड़ोगे, अगर भाई देव आपने इसको इस साइड से जोड़ा होता, मान लो आपने कहा होता कि ई कॉमन ले लो सर, अब तो आप देखिए सब क्या आएगा, ए बाई ई माइनस एक्स प्लस ए बाई ई प्लस एक्स, यही आएगा और आप इधर चले जाओगे। नहीं है, अगेन इट इज अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। इससे हमारे लिए कंसेप्चुअली क्या अंडरस्टैंड करने को मिलता है, ये फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी काम की नहीं रही। अब आपको ये याद रखना है हमेशा कि पी एम वन इज इक्वल टू ए बाई ई माइनस एक्स और पी एम टू इज इक्वल टू ए बाई ई प्लस एक्स, ठीक है, वेयर पी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अगले पॉइंट पाता हूं, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। इसके नीचे लिखेगा, हाँ रुकाओ, लिखे है ना, इस डायग्राम के नीचे लिख लेना, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। दिस इज फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, दिस इज फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा अब इसी के नीचे पॉइंट नंबर टू डालिएगा, पॉइंट नंबर टू में लिखेगा फोकल डिस्टेंस। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा फोकल डिस्टेंस क्या है, तो याद रखना फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू पी एफ पी F1, क्योंकि मैं इसको S में बदल चुका हूं ना, तो इसलिए S1P कर दूं और S2P, S1P और S2P, फोकल डिस्टेंस S1P और S2P है, ठीक है, या EPM1 और EPM2, फोकल डिस्टेंस इनमें ये भी फोकल डिस्टेंस है, वो भी फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी तो सम करता है इनका, फोकल डिस्टेंस ये या वो दोनों में से कोई एक है ना। पॉइंट नंबर तीन में आइएगा, फोकल लेंथ, ये इतना क्लोज वर्ड है कि कई बार ये इसको मैच कर जाता है, फोकल लेंथ इज समथिंग डिफरेंट, फोकल लेंथ इज एस वन एस टू, एस वन और एस टू के बीच की दूरी कितनी, टू ए ई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकल लेंथ इज टू ए, ठीक है, फोकल लेंथ इज 2ae, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर सिक्स,
एलआर, डबल ऑर्डिनेट एंड फोकल कॉर्ड। एलआर, डबल ऑर्डिनेट एंड फोकल कॉर्ड। आइडिया? हाँ भाई, इसका नाम S1, इसका नाम S2, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए बाई, दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई, दिस पॉइंट इज ए कॉमा जीरो, दिस पॉइंट इज माइनस ए कॉमा जीरो। श्योर? अब तो आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएगा। हाँ भाई, डबल ऑर्डिनेट, कोई आइडिया डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, इसके अंदर है ना भाई। यहां पर लिख दूं, दिस इज डबल ऑर्डिनेट डीओ, ठीक है। अच्छा, एलआर, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, ये क्या चीज बन गई? एलआर। तो पहले बात तो डायग्रामेटिकली इट इज एलआर, सही है। अच्छा, और फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड इज एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस ओनली, दिस इज फोकल कॉर्ड। अच्छा, फोकल कॉर्ड कौन से वाले से पास होगी, इससे या उससे? इसी से भी, क्या बात है ना, फोकल कॉर्ड। तो एलआर कितनी होंगी, डबल ऑर्डिनेट कितनी होंगी? इन्फिनिट, इन्फिनिट डबल ऑर्डिनेट हो सकती है। क्या एलआर डबल ऑर्डिनेट होती है? हाँ, है ना। अच्छा, एलआर अगर डबल ऑर्डिनेट होती है तो एलआर में मैं आपको बताऊं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा ए ही होगा कॉमा कुछ कुछ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा ए ही कॉमा कुछ कुछ होगा, सोच लो आप, हाँ या ना। क्यों? ऐसे परपेंडिकुलर होने पे एक्स सेम रहता है, सही है। तो अपन आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एलआर, कोऑर्डिनेट ऑफ एलआर सोचना है। कोऑर्डिनेट ऑफ एलआर के लिए पुट एक्स की जगह पे कितना, ए इन एलिप्स, एलिप्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, राइट है। अगर मैंने एक्स की जगह ए पुट कर दिया तो आप में से कोई भी देख सकता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, तो यहां से रह जाएगा मार्केट में ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। नहीं है, किसी ने ई स्क्वायर की जगह पता नहीं दौड़ करके वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रख दिया, और यहां पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो गया, वन से वन उड़ गया, सही है। आप में से किसी की नजर पड़ी, आपने क्या किया, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को तो वहीं रखा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट करा दिया, सही है। कईयों को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी की पावर फोर बाई ए स्क्वायर दिख गया, तो बताओ वाई बराबर क्या क्या दिखा, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एलआर, एलआर के कोऑर्डिनेट क्या क्या हुए, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एंड ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। ये तो राइट साइड का एलआर, और लेफ्ट साइड के एलआर के कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एंड माइनस ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। श्योर है? तो ये जो कुछ कुछ है इसकी जगह क्या लिखना है अपने को, बी स्क्वायर बाई ए, और इसकी जगह कितना, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए लिख दूं। अच्छा, कोई मेरे को एलएलआर बोल दे, एलएलआर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर बाई ए। अगला पॉइंट, थिंग्स टू रिमेंबर, एक मिनट के लिए और बीच में सबको उठा लेता हूं, ठीक है, इतना ही समय होगा क्योंकि, ठीक है। थिंग्स टू रिमेंबर में ये एलिप्स है। अब इस एलिप्स में दो बातें समझ के चलिएगा, ये ट्वेल्थ वालों के लिए बहुत काम का है, ध्यान से सुन लेना। अगर a इज ग्रेटर देन b है तब तक ये आलू ऐसे लेटा हुआ है, ध्यान रखना। जैसे ही आपने b को a से बड़ा कर दिया, ये आलू ऐसे खड़ा हो जाएगा, ध्यान रखने का। हाँ, आपकी डायरेक्ट्रिक्स यूँ आ जाएगी, ठीक है। अभी तक डायरेक्ट्रिक्स ऐसा था नहीं है, बात समझ में आई आपको?
हाँ, तो अब आपको ये सब समझ के चलना है, क्योंकि आपको इसके बारे में तो सब अंदाजा हो गया, इसका आइडिया थोड़ा कम है। आपको ये बता देता हूँ, इसमें वह वर्टेक्स 0b, 0-b होगा, सही है। अच्छा, इसका फोकस जहां a है वहां b डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा 0, BE, और ये 0, -BE। अच्छा, और ये पॉइंट a, 0, एंड दिस पॉइंट इज -a, 0। श्योर, इसकी एसेंट्रिसिटी e² = 1 - a² / b²। बेहतरीन, बस जिसको ये आ गया वो सब जीत गया, क्योंकि इस पे सीधा क्वेश्चन नहीं बनता, वही बनेगा। अब आप एक जल्दी से बता दो, अगर आपको x² / 16 + y² / 25 = 0 दिख रहा है, डायग्राम कौन सा है, लेफ्ट का कि राइट का? राइट वाला, सही है। अच्छा, ये बता दो e² = 1 - उसको देख के बताओ ना, 16/25 बोले तो 9/25, e = 3/5। 3/5 एक से कम है कि नहीं है? एक से कम है, सही है। मैंने ये लिप्स है, अब बस ये वाला डायग्राम और अड़ा दीजिए, काम आता रहेगा, है ना। अच्छा, इस पे तो अपनी ये बात तो हुई नहीं, LLR, इसके LR के एंड पॉइंट्स बताओ। हाँ, सही सोच रहे हो। एक बात तो पक्की है कि B ही नहीं बदलेगा, B तो रहेगा ही रहेगा, आगे क्या हो जाएगा, a² / b, BE, इधर वाला, और a² / b - a² / b, BE, और दूसरा वाला a² / b, -BE, और दूसरा वाला -a² / b, -BE। डन, LLR भी बोल दो। वेरी गुड, 2 times a² / b। ये अलग सरदर्द है, ये अलग सरदर्द है। अभी तो हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों इलिप्स आएंगे, और दोनों इलिप्स की जो फोकाई होंगी, टोटल 4 फोकाई से क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे हम, और फिर उसका एरिया मांग लेंगे, सही है। आगे बढ़ेंगे, फोकल लेंथ कितनी होती है, फोकल लेंथ 2a या 2ae? टू, अरे इसकी इसकी किसकी, 2b? नहीं, मैं ये खड़े वाले आलू की नहीं पूछ रहा, इसकी पूछ रहा हूं, 2a। हाँ साहब, आज तो आपकी क्लास भी नहीं है, पीछे मैंने सुन लिया था, है कि नहीं? कब के कदम हुए बेचारे। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, फाइंड सेंटर ऑफ कॉनिक्स x² + 24xy - 6y² + 28x + 36y + 10 = 0 is क्वेश्चन मार्क। किसी ने मेरे से कॉनिक्स का सेंटर पूछा है, और अपन इस उलझन में आना ही नहीं चाहते कि एलिप्स है कि पैराबोला कि हाइपरबोला क्या है। अपने को पता है सेंटर ऑफ कॉनिक्स की बात उठ रही है, और ये बात मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताई थी, ठीक है ना, कि जब भी ऐसा आ जाए आपके पास में ये fxy है। अपना काम है बोलना, आपका काम है सोचना, ठीक है। अपन नो कमेंट जोन में चल रहे हैं। df/dx याद है, मैं df/dx आपके लिए लिख रहा हूं, ∂f/∂x है, ठीक है ना, याद है। पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या देगी, 2x + 24y, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका इसका 28, इसका इसका = 0, ये आ गया था एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को अपन बाहर लिख लेते हैं, x + 12y + 14 = 0, बराबर है, +14 = 0। तब तक अपन चलते हैं ∂f/∂y,
हाँ साहब, डेल एफ डिवाइड बाई डेल वाई का, इसका इसका 24x, इसका माइनस 12y, बहुत बढ़िया। अगले का बोलो जीरो, अगले का बोलो 36, इसका अगले का जीरो, इक्वल टू जीरो। श्योर, ढंग से लिखने पर ये दे रहा है हमारे को 12x, 12 हट गया पूरा, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू जीरो। श्योर है? अब क्या किया जाए बताइए, सॉल्व कैसे करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा 2x प्लस में 24y प्लस का 28 इक्वल टू जीरो, यही होगा। और ये अपने आप हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। फाइनली माइनस करते ये गया, प्लस करते ये हो गया 25y, और माइनस करते ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू माइनस 25। तो मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइनस 1, y की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू माइनस 1 यहाँ रखते ही 4, और उधर जाके माइनस 4, x की वैल्यू माइनस 2। सही है, तो पॉइंट सेंटर इज माइनस 2 कॉमा माइनस 1। अब ये क्वेश्चन पता है कब का है आपको? इस सर्किल का, सर्किल का क्वेश्चन है, सर्किल चैप्टर के अंदर। हाँ, सर्कल चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है आपको? आपने बाईपास लिया होगा वहाँ से, आपको पता नहीं चला होगा, ठीक है। वो जब आप मेरे से शीट डिस्कस करवा रहे थे ना, तो मेरे को आइडिया पड़ रहा था कि आप लोगों ने, हालांकि आपने कुछ गलत नहीं किया, अपने लेवल पर सही किया होगा, लेकिन फिर भी अगले पे आ जाओ फटाफट से। फाइंड रेंज ऑफ ए, मैं आपको बता दूँ, मैं ठीक 7:25 पे छोड़ दूंगा आपको, ठीक है, 7:30 भी नहीं होगा, तो इसलिए प्लीज है ना इसको लेके पैनिक मत होना। फाइंड रेंज ऑफ ए फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 6 माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 इक्वल टू 1, करिए। मैं इसको थोड़ा और अच्छा कर सकता था, अब ठीक लगेगा शायद आपको। फाइंड रेंज ऑफ ए फॉर इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 6 माइनस ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 इक्वल टू 1। ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मैं तभी नहीं तो आपको छोड़ता ही नहीं इस जगह पे। मैंने आपको सोचने के लिए जगह दी है, सोचो। क्योंकि आपने दो कंडीशन तो बहुत अच्छी सोची, एलिप्स होने पर 6 माइनस ए को पॉजिटिव होना है क्योंकि ए स्क्वायर की जगह बैठा है, सही है। अच्छा, इक्वल टू जीरो नहीं ले सकता क्योंकि इक्वल टू जीरो लेते ही अब फड़फड़ा जाएगा। दूसरी तरफ से देखा जाए ए माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव। और तीसरी कंडीशन 6 माइनस ए को ए माइनस 2 के बराबर नहीं होने का, नहीं तो सर्कल बन जाएगा, याद आया? तो इसका मतलब ये कि 2a इज नॉट इक्वल टू 8, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 4। यहां से देखा जाए तो a इज ग्रेटर देन 2, यहां से देखा जाए तो a इज लेस देन 6, तो a इज लाइंग इन बिटवीन 2 टू 6 माइनस 4। मैंने कहा था ना आपका क्वेश्चन है भाई, चलो एक और क्वेश्चन करते फटाफट। हाँ क्या? नहीं 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 नहीं, सेंटर सिटी से नहीं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखें, सोच पाओगे ना? जितना अपने पढ़ा उसी के अंदर लेके जाऊंगा बात को, ठीक है। क्वेश्चन है P इक्वल टू एक्स कॉमा वाई दिया है, फोकस 1 दे रखी है 3,0, फोकस 2 दे रखी है -3,0, एंड साथ में ये दे रखा है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अगला कह रहा है देन PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आप कर सकते हो। जवाब देख के पेन भी नहीं उठाना, देख के देना है, देख के देना, मैं कह रहा हूं देख के हो जाएगा। बेसिक याद करो अपनी, तो शुरुआत इसी से हुई थी, अपन ने कल का लास्ट भी वहीं किया था, याद नहीं आ रहा? PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a, a कितना है इसका, कितना आंसर, कितना हुआ आंसर, आंसर 10, नहीं याद आया? इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर बाय 25,
वाई स्क्वायर बाय 16 बराबर 1, तो a इज इक्वल टू 5, याद नहीं आया? और ऐसा होते ही आपको बताएं पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 2a, बोले तो 2 इंटू 5 बोले तो 10, नहीं अंदर है? हाँ, इसमें कई लोग डिस्टेंस फार्मूले में चले जाते, पता नहीं क्यों। ये एफ वन एफ टू तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था हमने। एक और क्वेश्चन देखो, अब की बार आप फिर सोच सकते हो, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और दिमाग लगाते रहो। ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है? अगला क्वेश्चन है LLR फॉर 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 1। पहले देखो तो सही कौन सा वाला आलू है, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? हाँ, तो पहले तो डायग्राम आपको ये बताना पड़ेगा कि इट इज x² डिवाइड बाई 1/9, y² डिवाइड बाई 1/4 इक्वल टू 1, इट इज x² बाई 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में y² डिवाइड बाई 1/2 का, हाँ या ना? a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/2, कौन बड़ा? b ग्रेटर देन a है, नहीं है? ऐसा आलू है भाई। LLR कितनी होती है ऐसे में? 2a² / b। LLR इज इक्वल टू, दिखने में छोटा जरूर था लेकिन कंफ्यूज कर सकता था, 2a² / b, सही है? तो 2 times a² इज 1/9, b इज 1/2, सही है? तो इट इज आंसर इज 4/9, राइट है? छोटा परंतु काम का क्वेश्चन। और आगे बढ़ो, देखें कितनी जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है? अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा दो लेने का मूड है क्वेश्चंस को फटाफट से। तो क्वेश्चन में उड़ाइएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ फोकस -1/1 एंड एसेंट्रिसिटी 1/2 एंड डायरेक्ट्रिक्स x - y + 3 इक्वल टू 0। क्योंकि दो क्वेश्चन करने का मन है तो, और टाइम सिर्फ 5 मिनट है जिसमें भी शायद अब इसको खत्म करते करते 1 मिनट डन हो जाएगा, तो इसलिए बात रखनी है। यहां आपको आना है फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन और मूवेबल पॉइंट, याद आया आपको किसी को? इस जगह पर ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स तो x इक्वल टू है, ये भाई माने कोई कांस्टेंट होना था, ये तो ऐसी वाली लाइन है। तो आप में से किसी को अगर याद आए तो SP इज इक्वल टू EPM। S क्या चीज है? फोकस, फोकस -1/1 दे रखा। P क्या चीज है? वेरिएबल पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट XY की इससे दूरी √ x+1 का प्लस y-1 का इज इक्वल टू E की जगह 1/2, और XY की इससे दूरी, लाइन से दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज x - y + 3 का मॉड अपॉन √2। डायरेक्ट लिख दो और अब क्या करूं? स्क्वायर, बस स्क्वायर एंड सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इज एलिप्स 1 x² / 9 प्लस y² / 4 इज इक्वल टू 1। आप ही को लिखना है फटाफट से, है ना? जितना जल्दी आप लिखेंगे उतना बढ़िया। हो गया वो? हाँ, लिखिएगा एलिप्स दिस इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल, इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल कैपिटल R, हुज एक्सिस इज R, सॉरी हुज साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, हुज साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस।
लिखते जा रहे हैं, हूज साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, अनदर इलिप्स E2 पासिंग थ्रू पॉइंट 0.4 सर्कमस्क्राइब्स रेक्टेंगल आर, सर्कमस्क्राइब्स रेक्टेंगल आर, फाइंड सेंट्रिसिटी ऑफ E2, फाइंड सेंट्रिसिटी ऑफ E2, फाइंड सेंट्रिसिटी ऑफ E2। मजा आएगा सोचने में और सोचने में, रेडी फटाफट से आगे बढ़ना। हाँ भाई क्या क्या बोला, ये इलिप्स घिरा हुआ है रेक्टेंगल से और रेक्टेंगल घिरा हुआ है E2 से, समझ में आया आपको? ये कौन सा वाला है, लेटा हुआ या खड़ा वाला लो? लेटा हुआ। तो आपके लिए खास ये अपन बना ले भाई, ठीक है ना भाई, ये लो आ गया। आप में से कोई बुरा नहीं मानेगा कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये वाला पॉइंट इज 30 और ये वाला पॉइंट इज -30, सोचते जाना आप, ये वाला पॉइंट इज 02, ये वाला पॉइंट इज, अब आप बताओ रेक्टेंगल की कोई खास बात जो आप बता सकते हो कि रेक्टेंगल जो है वो उसकी साइड्स पैरेलल हैं किसके, माने रेक्टेंगल ऐसा होगा साहब, पहले मिला लो आप, ऐसे ही होगा ना। ये पॉइंट शायद कई बच्चे जानते हैं, मेरे हिसाब से इट इज 3.2 नहीं आया, ये पॉइंट सोचो 3, ये पॉइंट इज -3.2, ये पॉइंट इज, और अब जो इलिप्स है वो इनको भी घेर के गया भाई, इसको घेर के गया है, ऐसा कोई इलिप्स बनाया अपन ने, आगे का नहीं, इस इलिप्स की सेंट्रिसिटी बताने का है, और ये इलिप्स ऊपर कहां से गुजरा, 0.4 से भी गुजरा, नहीं है? अब आप मेरे को बताने वाले हो कि इलिप्स तक जाऊं या सेंट्रिसिटी डायरेक्ट निकालूं कैसे करूं? क्या आपको आइडिया है कि इसके अंदर इसकी एसेंट्रिसिटी जो भी होगी E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - a² / b² होगी? एक क्या चीज होगी ये लेन, और बी क्या चीज होगी ये लेन, शायद आपको बी तो पता है 4, वो मैं भर दूंगा, ए कहां से लाऊं, ये पॉइंट कहां है हमारे पास, जल्दी बताओ जल्दी, बस अब आपका खर्चा चल रहा है मेरा हो गया खत्म, लगाओ दिमाग, नहीं 7/26 कर दिया आपने, देखो मैं बताता हूं, E2 जो भी होगा है ना उसमें आपको बी तो पता है, तो आपको ये पता है कि वो हो जाएगा x² / a² पता, प्लस में y² / 16 = 1। अरे आपने तो बताया बी 4 है, अच्छा और ये पास हो रहा है किससे, 0.4 से, तो आप बताओ x की जगह 0 किसे, 3.2 से, 3.2 अगर मैंने 0.4 रख दिया तो 0 a उड़ा देगा, तो 3.2 बोल दूं चलेगा, अच्छा 3 रखते ही इट इज 9/a² प्लस में 4/16 = 1 कर दूं, ये रह गया 1/4 और 1/4 इधर करके 3/4, तो ये हो गया 9/a² = 3/4, 3 से गया 3, तो a² = 12 नहीं आया, a² = 12 आते ही E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 12 का स्क्वायर बटा 12/16 नहीं आया, तो 12/16 का मतलब हो गया 4/16 बोले तो 1/4, तो e = 1/2 लो सा, E2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, नहीं समझ में आया है ना, मेंस का क्वेश्चन है तो आपसे सिर्फ एसेंट्रिसिटी, पता है मेंस कितनी दूर तक दौड़ता है, बहुत हद तक टेंजेंट, उसको कोई लेना देना नहीं, बाद में आप क्या पढ़ते हो कितना पढ़ते हो, हाईलाइट वाईलाइट उसके लिए कुछ काम का नहीं है,
वो तो चाहता है बस आप टेंजेंट तक सुपर स्ट्रांग होकर के आओ। टेंजेंट तक तो मतलब आपका एक निशाना नहीं चूकना चाहिए, और उसके बाद निशाने आपको लगाने नहीं भी आते तो भी आप हिट हो, तो वहां तक तो आप एकदम पक्का करो। एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी तक के तो क्वेश्चन एकदम घोट डालो, ठीक है। बाकी आप कल अपना काम क्या क्या है, एक्सरसाइज के 3 और एक्सरसाइज 4 लेवल 1 वो भी कर लेना, ठीक है।